स्वागत है आपका मेरे चैनल पे, जहां आपको देखने को मिलता है प्योर वाला मोटर व्लॉग। सो भाइयों, आज का व्लॉग होने वाला है एकदम इन्फॉर्मेटिव, जहां मैं आपको दूंगा इस रिवॉल्यूशन, इस बीस्ट का एक जेन्युइन रिव्यू। ये वीडियो उन लोगों के लिए बहुत हेल्पफुल होने वाला है जिन लोगों को ये बाइक बहुत पसंद है, जिनको रॉ पावर बहुत पसंद है, जिनको क्लासिक बाइक बहुत पसंद है, और जो लोग ये बाइक पल्सर NS200 लेने का सोच रहे हैं और जिनके पास ऑलरेडी ये बाइक है, तो ये भाई आप लोग के लिए बहुत हेल्पफुल व्लॉग होने वाला है। प्लीज़ इसको पूरा देखना, मैं आपको ए टू जेड सारी चीज़ें, बेसिक चीज़ें कवर करके बताऊंगा कि ये बाइक आपके लिए है या नहीं। नहीं तो उसके अलावा आपको और भी ऑप्शंस मिल जाते हैं, ड्यूक 200, बजाज V3 और लॉट्स ऑफ ऑप्शंस आर अवेलेबल इन मार्केट इन दिस कैटेगरी, 200 cc कैटेगरी। बट इस बाइक में कुछ ऐसे स्पेसिफिकेशंस हैं जो इस बाइक को सबसे अलग हटके बनाते हैं, वो मैं आपको ज़रूर से बताऊँगा। चलिए शुरू करते हैं। फ्रंट में आपको मिल जाएगा शरेंट वाला हैलोजन बल्ब, जो कि एक इसका छोटा सा डिसएडवांटेज है। अगर कंपनी चाहती तो इसमें LED बल्ब या प्रोजेक्टर लेंस दे सकती थी, बट जैसा कि मैंने आपको बताया कि 1.5 लाख में ज़्यादा कुछ नहीं मिलता। और अगर हम बात करें इंडिकेटर्स की, तो इंडिकेटर भी आपको वही शरेंट वाले मिल जाते हैं, हैलोजन बल्ब वाले फ्रंट में भी और रियर में भी। और उसके बाद अगर बात करें तो बिल्ड क्वालिटी की, तो बजाज की जो बिल्ड क्वालिटी है वो ड्यूक से बेटर नहीं है। ड्यूक इस बाइक से 50-60 हज़ार रुपये महंगी आती है, तो 50-60 हज़ार रुपये इसी चीज़ के हैं, थोड़ी बिल्ड क्वालिटी के, थोड़ी फिनिशिंग के। बट ये क्वालिटी भी बहुत अच्छी है, बुरी नहीं है। और अगर हम फ्रंट टायर की बात करें, तो फ्रंट में आपको मिल जाता है 8x10 का टायर, जो कि है 10 इंच का। और फ्रंट में आपको मिल जाती है 300 mm की बड़ी डिस्क प्लेट, पेडल डिस्क प्लेट। और साथ ही आपको इस बाइक में मिल जाएगा सिंगल चैनल ABS। गाइस, अभी तक बजाज पल्सर ने डुअल चैनल ABS का ऑप्शन नहीं निकाला है। अगर आप बात करें ड्यूक की, तो ड्यूक BS6 में आपको डुअल चैनल ABS का ऑप्शन भी मिल जाता है। और इसमें कंपनी ने यूज़ किए हैं बाइबर के कैलिपर्स, जो कि बेस्ट इन क्लास हैं, जो कि बेस्ट इन सेगमेंट हैं, जो बहुत अच्छे प्रोड्यूसर हैं इस कैलिपर्स के, जो जाने जाते हैं सिर्फ कैलिपर्स के लिए, बाइबर। और उसके बाद हम बात करें थोड़ा ऊपर, तो फ्रंट में आपको मिल जाएगा नॉर्मल सा टेलीस्कोपिक सस्पेंशन, जो कि ड्यूक 200 से ज़्यादा बेटर नहीं है। ड्यूक में आपको मिलेगा USD फोक्स टाइप के सस्पेंशन मिलेंगे, बट इसमें आपको मिलेंगे स्टैंडर्ड टाइप वाले, जो भी वो सस्पेंशन होते हैं टेलीस्कोपिक, वो मिल जाएंगे, जिनमें लीकेज की प्रॉब्लम हमेशा शुरू से ही रहती है। तो ये इसका एक बैड पॉइंट जरूर रहेगा पल्सर का। उसके बाद हम बात करें इसके फीचर्स की, तो इसमें आपको मिल जाएगा किल स्विच और ये शेल्फ स्टार्ट बटन। और इस तरफ बात करें तो इसमें आपको मिल जाएगा अपर बीम, लो बीम और ये इंडिकेटर्स। एंड इसके बाद हम बात करें तो ये आपको मिल जाएगा हॉर्न। अगर देखा जाए तो बजाज थोड़ा इम्प्रूवमेंट कर सकता था फिनिश एंड क्वालिटी में, फिनिशिंग में। जैसे कि आप देख सकते हैं कि यहाँ थोड़ी फिनिशिंग होनी चाहिए, तो और ज़्यादा अच्छा निखर के आता। यहाँ भी आपको फिनिशिंग देखने का वो मिल जाएगा। तो बस बजाज कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज़ कर ही देता है। अगर प्राइस भी इसकी रेंज कम है, तो कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है कंपनीज़ को, ये इंजीनियर्स की पूरी वो रहती है। बट अगर देखा जाए तो थोड़ा इस पर इम्प्रूवमेंट हो सकता था इसकी फिनिशिंग में। उसके बाद हम बात करें मिरर्स की, तो मिरर्स भी आपको अट्रैक्टिव काफ़ी मिल जाते हैं, जो कि काफ़ी एग्रेसिव लुक देते हैं। और आपको पीछे की विजिबिलिटी भी इनसे अच्छी मिल जाती है, क्योंकि बस थोड़ा सा शोल्डर आपको जरूर से इसमें दिखेगा, बट पीछे की विजिबिलिटी बहुत अच्छी मिल जाएगी। उसके बाद हम बात करें इसका जो डिजिटल मीटर है, ये हाफ डिजिटल कंसोल है, ये फुल डिजिटली कंसोल नहीं है। ये अगर आप इसको चालू करते तो देखिए कैसा इतना शानदार लुक देता है। ये पूरी निडल है, ऊपर से नीचे आती है, जो बहुत अट्रैक्टिव लुक आता है। इस मीटर को तीन पार्ट में डिवाइड कर रखा है बजाज वालों ने। एक है जो थोड़ी बेसिक इन्फॉर्मेशन देता है, और यहाँ मिल जाएगा आपको टैकोमीटर, और यहाँ मिल जाएगा आपको स्पीडोमीटर। यहाँ आपको मिल जाएगा न्यूट्रल, गाड़ी न्यूट्रल में है या गियर में है। उसके बाद आपको मिल जाएगा बैटरी इंडिकेटर कि आपकी बैटरी ड्रेन तो नहीं हो गई। उसके बाद आपको मिल जाएगा टेम्परेचर, यहाँ फ्यूल कितना है, और यहाँ मिल जाएगा आपको बजाज का सिग्नेचर, जो कि दिखता है ब्लूटूथ साइन के जैसा। ये बेसिकली बजाज का सिग्नेचर साइन है। उसके बाद आपको मिल जाएगा यहाँ पे एक बहुत शानदार रेड कलर की निडल में टैकोमीटर, जो आपके अकॉर्डिंग, जैसे कि अगर आप रेस करते हैं तो वो ऊपर नीचे जाता है।
उसके बाद आपको यहाँ मिल जाएगा ओडोमीटर, जहाँ आपको देखने को मिल जाएगी स्पीड और टाइम और ओडोमीटर, साइड स्टैंड लगाए कि नहीं, फ्यूल कितना है, टाइम कितना है। और दूसरी चीज़, यहाँ पे आपको दो ट्रिप मिल जाती हैं जिसको आप यहाँ सेट कर सकते हैं, मोड और सेटअप। उसके बाद अगर हम बात करें तो आपको यहाँ पे अच्छा खासा एक ग्रैब वाला अच्छी क्वालिटी का हैंडल भी मिल जाता है। उसके बाद अगर बात करें हम इसके टैंक की, तो उसमें आपको मिल जाती है 12 लीटर की टैंक कैपेसिटी। अगर मैं आज के इसके एवरेज के हिसाब से बात करूँ, अगर इसमें आप फुल टैंक कराते हो जो कि 1000 रुपये में हो जाएगा, तो उसमें आपको ये बाइक चल जाएगी 12 लीटर कैपेसिटी होने के बाद 400 किलोमीटर के आसपास, 350-400 किलोमीटर के आसपास। ये मेरा एक्सपीरियंस है, मैं इसमें चेक कर चुका हूँ। उसके बाद अगर हम बात करें इसकी सीट की, तो सीट भी आपको ज़्यादा कंफर्टेबल इसमें नहीं देखने को मिलती, बिकॉज ऑफ ये स्पोर्ट्स बाइक है। स्पोर्ट्स बाइक में ये लोग सीट हमेशा से ही कंपनी वाले थोड़ी सॉफ्ट रखते हैं किसी रीज़न से। और ये बट इसकी सीट इतनी भी बुरी नहीं है, अगर आप चाहें तो आफ्टर मार्केट 200-300 रुपये खर्च करके इसमें फॉर्म लगवा सकते हैं, जो कि बहुत अच्छी चीज़ है। और अगर बात करें पिलियन की, तो पिलियन इसमें काफ़ी कंफर्टेबल तो नहीं बैठता एज़ कम्पेयर टू ड्यूक। ड्यूक की सीट थोड़ी नीचे है, तो उसमें बंदा पिलियन जो रहता है एकदम कम्फर्टेबली बैठ पाता है। बट इसमें क्या है कि थोड़े आप लोग कम्फर्टेबल नहीं बैठ पाओगे, थोड़ी ये सीट थोड़ी स्टिफ है। ये देखिए कितनी हार्ड सी, ये सीट थोड़ी स्विफ्ट है राइडर के लिए, बस ओके है। बट ये सीट थोड़ी बैड है और ये सीट थोड़ी ओके है। उसके बाद हम बात करें बैक में, तो बैक में भाई आपको मिल जाते हैं वही पल्सर के सिग्नेचर वाले हैंड ग्रिल्स और वही हमारी शानदार वाली पल्सर की लाइट। अगर ये बाइक दूर से भी जा रही है, अगर आप बाइक के आइडेंटिटर हो, आपको समझ में आती है, बाइक से नॉलेज है, तो आप दूर से ही इसको आइडेंटी कर लोगे कि ये पल्सर जा रही है, ये बाइक का सिग्नेचर है। थैंक बजाज, आपने इसको चेंज नहीं किया। हेड लाइक फॉर दिस बजाज वालों के लिए। उसके बाद हम बात करें तो यह नंबर प्लेट मिल जाएगी, यहाँ आपको मिल जाएगा रिफ्लेक्टर्स, और बैक में आपको वही मिलेंगे देखने को सेशनड वाले हेलोजन बल्ब्स। पीछे आपको मिल जाएगा डबल साइड मडगार्ड, जिसकी क्वालिटी भी टॉप नॉच तो नहीं है, मिडल नॉच जरूर कहूँगा, अच्छी क्वालिटी है, जो आपको बिल्कुल पानी की जड़ से बचाते हैं। अगर बट कुछ लोग क्या करते हैं, इसको निकाल के फेंक देते हैं, पता नहीं ऐसा क्यों करते हैं, आई डोंट नो व्हाई, बट मैं भी फेंक दूंगा, डोंट वरी। उसके बाद हम बात करें तो ये मुझे पता नहीं कि आखिर ये क्यों दे रखा है इन लोगों ने फालतू, ये बजाज पल्सर का लुक बिगाड़ता है, पता नहीं मुझे क्यों। और उसके बाद हम बात करें तो पीछे में आपको मिल जाएगा एक फेट प्रोफाइल का टायर, जो कि बेस्ट इन क्लास तो नहीं है, ये MRF की यूरो ग्रिप टायर्स हैं, जो कि ठीक ठाक वाले टायर्स हैं, मतलब इस रेंज में, और इससे अच्छा आपको बजाज कुछ नहीं ऑफर कर सकती थी। बट ठीक है, ये टायर भी अच्छे हैं। ये टायर आपको 17 इंच का मिल जाएगा, और ये 18x80 का कुछ टायर है, आई डोंट नो, क्लियर मुझे कंफर्म नहीं, बट 17 इंच का टायर है ये मोटर फेट प्रोफाइल, जो कि अभी तक आधा घिस चुका है मैंने, क्योंकि मेरी बाइक चल रखी है 15,000 किलोमीटर। उसके बाद आपको ये भी बहुत अच्छा मिल जाएगा, चेन स्प्रॉकेट का वो बटन्स मिल जाएंगे, नट्स मिल जाएंगे। उसके बाद पीछे में आपको मिल जाएगी एक पेडल डिस्प्ले, जो कि है 230mm की, और फ्रंट में बैक में इसमें आपको वो ABS नहीं मिलता है, बैक में आपको सिर्फ डिस्प्ले सी मिलते हैं, वो भी बाइबर के साथ। उसके बाद हम बात करें तो ये बहुत ही शानदार लगता है मुझे, ये फुटरेस्ट का जो भी इन्होंने ये बनाया है, बहुत अच्छा लगता है। और अगर बात करें मोनो सस्पेंशन की, तो पीछे रियर में आपको मिल जाता है मोनो सस्पेंशन, जो कि ड्यूक 200 से बेटर तो नहीं है, बट उसको डोमिनेट भी नहीं करता, बट बेस्ट इन क्लास भी है। इस बजट रेंज में ये परफेक्ट फिट बैठता है, ये सस्पेंशन जो ये बजाज का 200 का सस्पेंशन है, अगर ये सिटी और ट्रैफिक राइड के लिए बहुत बेस्ट है, बट जो ड्यूक का जो सस्पेंशन है फ्रंट और रियर वाला, वो कॉर्नरिंग और ट्रैकिंग के लिए बेस्ट है। अगर आपको कॉर्नरिंग ट्रैकिंग करनी है, तो बजाज का जो वो सस्पेंशन है आप वो बेस्ट रहेगा, बट अगर आप सिटी में राइड करते हैं और आपको हाई राइड्स करते हैं, लॉन्ग रूट्स करते हैं, तो उसके लिए आपको ये सस्पेंशन बेस्ट रहेगा। और ये सस्पेंशन 3 तरफ से सेट भी हो जाता है। उसके बाद आपको मिल जाता है अंडर बेली एग्जॉस्ट, जो कि इस बाइक का एक दूसरा बड़ा एडवांटेज है। ये एग्जॉस्ट इतना इसका साउंड नोट जरा मैं आपको सुना देता हूँ, ठीक है। और ये एग्जॉस्ट बहुत अच्छा है, अंडर बेली एग्जॉस्ट है। बेसिकली सब बाइक्स में क्या पीछे एग्जॉस्ट होता है, सबको पता होता है, बट इस बाइक में लोगों को एग्जॉस्ट नहीं दिखता, तो वो पूछते हैं भाई इसका एग्जॉस्ट कहाँ है भी नहीं। ये बहुत इसका अट्रैक्टिव पार्ट है, तो इसका एग्जॉस्ट बहुत अच्छा लगा मुझे। उसके बाद आपको मिल जाता है डबल स्टैंड और एक साइड स्टैंड तो मिलता ही है, पहले आपको डबल स्टैंड नहीं मिलता था, बट अब आपको डबल स्टैंड ऑफर मिलने लगा है BS4 BS6 आने के बाद। उसके बाद आपको मिल जाएगा ये मेटल का डिस्क, आपका डिस्क ब्रेक। और उसके बाद आपको मिल जाएगा, आगे देखा जाए तो ये इसकी जो बॉडी है, कितना ही शानदार फिनिशिंग मिल रहा है आपको यहाँ से, एकदम मस्कुलर लुक आता है। ये ग्रिल्स मुझे पता नहीं क्यों है, शायद हवा इंटेक के लिए होगा, भाई हवा तो यहाँ से चले जाती होगी, आई डोंट नो वाई वो क्यों है। उसके बाद हम बात करें इसके इंजन की, तो भाई साहब ये जो इंजन है, ये इंजन पागल इंजन है, ये इंजन नहीं, ये आतंक है। 200cc में ये इंजन है रूल करता है, इसी इंजन की वजह से ये बाइक इतनी फेमस है इंडियन मार्केट्स में, और ये सारी बाइक्स को बीट कर देती है।
ये इंजन की बात अलग है, मैं आपको समझाता हूँ कि इस इंजन की बात क्यों अलग है। सबसे पहली बात भाई, इसमें बजाज आपको मिलता है 199.5 सीसी का लिक्विड कूल वन सिलेंडर वाला इंजन विद DTSI ट्रिपल स्पार्क टेक्नोलॉजी, जो कि प्रोड्यूस करता है 24.5 BHP की पावर एट द रेट 18 न्यूटन मीटर टॉर्क, जो कि बेस्ट है इस बाइक के लिए, बेस्ट है। पावर टू रेशियो की बात करें तो इस बाइक का कर्व रेट है 156 किलोग्राम, जो कि पावर टू वेट का जो रेशियो है वो एकदम परफेक्ट बैठता है, और इसीलिए ये बाइक इतनी जल्दी इतनी स्पीड में। तो भाई अब आप लोग पूछ रहे होगे कि भाई तूने सब कुछ बता दिया, बट इसका मेन मुद्दा बता, मेन मुद्दे से मेरा मतलब है कि इसका प्राइस कितना है। तो भाई एक्स शोरूम प्राइस है इस पल्सर NS200 BS6 मॉडल का 130,000, और ऑन रोड ये प्राइस पहुंच जाता है मोटा मोटा 150,000, जो कि BS6 आने के बाद थोड़ा रेट बढ़ गया है 10 से 15 हज़ार रुपये, बट मैं नहीं मानता कि 1.5 लाख रुपये इस बाइक पे खर्च करना वर्स्ट होंगे, डेफिनेटली वो वर्थ होंगे। गो फॉर इट। मेरा ब्लॉग पसंद आया हो, जो मैंने इन्फॉर्मेशन आपको दी वो आपको समझ में आ गई हो, और अब डिसीजन आप लोगों का है। अगर आप ड्यूक लेते हैं, अगर आपका पैह है ज़्यादा पैह वाले हो आप, तो आप ड्यूक भी ले सकते हो, नो डाउट, बट अगर आप बजट की बाइक चाहते हो और आपको पावर भी चाहिए, आपको लुक्स भी चाहिए, आपको सारी चीज़ चाहिए, तो गो फॉर बजाज पल्सर NS200। उसके अलावा आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है, और आप इस बाइक को चला लोगे तो आप इसके दीवाने वैसे ही हो जाओगे। मैं तो इसका दीवाना हूँ, मैं तो इससे प्यार भी बहुत करता हूँ। सो ठीक है गाइस, डिसीजन आपका रहेगा, मैंने तो अपना रिव्यू दे दिया, और मिलूंगा आपसे फिर किसी ऐसी वीडियो में। टिल देन साइनिंग ऑफ सुमित, जय हिंद जय भारत, बाय बाय।